भूत फिल्म का ट्रेलर हुआ लॉन्च, जल्दी आएगी फिल्म। जानिए इसकी क्या है स्टोरी और किस पर आधारित है ये फिल्म। बॉलीवुड एनटीटी 24 प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड एनटीटी 24 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों बता दें कि सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की फिल्म भूत पुलिस का ट्रेलर का लॉन्च हो गया है। दोस्तों बता दें कि इस ट्रेलर में सैफ और अर्जुन की कॉमिक टाइमिंग पर टिका हुआ है ये ट्रेलर। बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिएगा बॉलीवुड एनटीटी 24 पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वीडियो पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये फिल्म का रिव्यू। दोस्तों भूत पुलिस का ट्रेलर जो है 18 अगस्त को लॉन्च हुआ है। ये फिल्म का ट्रेलर आते ही देखकर ये लगता है कि सैफ और अर्जुन की कॉमिक टाइमिंग पर ही टिका हुआ है ये ट्रेलर। अगर हम दोस्तों इसकी स्टोरी की बात करें तो भूतिया पुलिस में दो चाचा भतीजे टाइप के लोगों की कहानी है जो भूतों के पीछे लगे हुए हैं। एक सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए और दूसरा अपनी तांत्रिक साधने के लिए। दोनों के मंतव्य अलग अलग होने के बावजूद दोनों साथ में काम करते हैं और फिल्म का पूरा हास्य इसी विरोधाभास पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक पवन कृपलानी इससे पहले रागनी MMS 2 और डर एट द मॉल और फोबिया जैसी फिल्में कर चुके हैं। फिल्म का ट्रेलर देखकर कहा जा सकता है कि रमेश तेरानी ने इस फिल्म में भी खूब पैसा लगाया है। हॉरर कॉमेडी के लिए ऐसा बजट पा लेना पवन कृपलानी के लिए बड़ी जीत है। फिल्म लंबे अरसे से मेकिंग में रही है। बीते साल जब इसकी शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो इसके निर्माता ने सैफ को छोड़कर बाकी सारे सितारों को बदल दिया। अब फिल्म का ट्रेलर सामने है। भूत पुलिस यहाँ सैफ और अर्जुन हैं। सैफ पर उम्र का असर दिख रहा है लेकिन निर्देशक ने उसके किरदार को फिर से रसिया बना दिया है। नोटों की गड्डी देखकर GST मांगने तक तो ठीक है लेकिन आगे सैफ से कॉमेडी की टाइमिंग ट्रेलर में संभालती दिखाई देती है। हाँ, अर्जुन कपूर ने भोले भाले किताबी तांत्रिक के तौर पर असर छोड़ा है। उनकी अपनी एक अलग स्टाइल है और इस स्टाइल में उनकी कॉमेडी का असर भी दिखता है। जैकलिन फर्नांडीज और यामी गौतम को यहाँ अपना जलवा दिखाने का खास मौका मिला है लेकिन उतना नहीं कह सकते हैं कि जितना उन्होंने दिखा पाया है। बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेलर के हिसाब से ठीक है। दोस्तों बता दें कि गानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गानों को सिलेक्ट करना कि किस तरीके से हमें म्यूज़िक देना है या बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना है, तो लेकिन म्यूज़िक कंपनी का कहना है कि गाने ऐसी फिल्मों में होने ही नहीं चाहिए। हालांकि ये भूतिया फिल्म है और भूतिया फिल्म में हॉरर कॉमेडी भी इसमें डाल रखी है और कॉमेडी भी है, साथ में कई चीज़ों को समेटती हुई ये फिल्म अपने मुकाम पर कई गुना देखा जाए तो सफलता प्राप्त होती नज़र आ रही है। क्योंकि इसके ट्रेलर को देखकर लोगों ने खूब पसंद किया है सैफ अली खान को और अर्जुन कपूर को। दोस्तों बता दें कि ये फिल्म पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भूतिया फिल्म है, इसमें जैसे कि चाचा और भतीजे की कहानी दिखाई गई है, लेकिन सबसे इसकी खास बात यह है कि ये इसकी कास्टिंग जो की गई थी, जिस तरीके से निर्माता ने लोगों को कास्ट किया गया था, COVID-19 के चलते इस फिल्म की सारी कास्टिंग को बदल दिया गया था और कम समय में और कह सकते हैं कि अच्छे बजट में इस फिल्म को रिलीज़ करने का दावा किया गया है। और साथ ही इसी महीने की तारीख अंत तक, या यूं कहें कि अगले महीने के पहले सप्ताह तक ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म और हॉटस्टार पर नज़र आएगी। दोस्तों बता दें कि सैफ अली खान के द्वारा निभाए गए किरदार में उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एक अलग अंदाज में पेश किया है। सैफ अली खान की उम्र देखा जाए तो इस फिल्म में कहीं ज़्यादा जवान दिखाए गए हैं और यह सिर्फ
जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है फ़र्क कहा जा सकता है। तो इसमें मेकअप आर्टिस्टों का और बहुत सारी बैकग्राउंड टीम का मुख्य भूमिका रही है। दोस्तों हम बॉलीवुड से जुड़ी ही बहुत सारी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब वीडियो पहुंचे आपके पास में। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में बॉलीवुड एनटीटी 24। बॉलीवुड एनटीटी 24 प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस।